कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कुछ देर बाद देहरादून पहुंच रहे हैं और इस विजय सम्मान यात्रा में भारी संख्या में जो है वो पूर्व सैनिक भी दिखाई दे रहे हैं, वो सैनिक जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, वो सैनिक जिन्होंने अपनी बलबूते पर कई मेडल भी जीते हैं, कई पूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिरकार इस रैली को वो किस तरह से देख रहे हैं। राहुल जी, आपके नेता जो है वो आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उनकी रैली को, उनके सम्मान को? हम उनके सम्मान को बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं और जिस प्रकार महान जो हमारी आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 16 दिसंबर को 1971 में बांग्लादेश के दो टुकड़े कर देते, वो भी एक सम्मान की बात है। और हमारे देश के सैनिकों ने अभूतपूर्व साहस के बल पे ऐसा कार्य कर सका। लेकिन क्या होता है जब कोई देश का बड़ा लीडर इस भूमिका को अपनी पहली बनाता है तो तभी संभव हो सकता है। और हमारे देश के जवानों ने बहुत बहादुरी से काम किया और बांग्लादेश के दो पाकिस्तान के दो टुकड़ा कर दिए, जिसमें बांग्लादेश और पूरी पाकिस्तान अलग हो गए। बाबूजी, नाम क्या है आपका? रामदयाल भट्ट। अच्छा, ये बताएं ये कौन कौन से मेडल हैं आपको मिले हैं, कब आप रिटायर हुए हैं, कौन कौन सी लड़ाई में आप शामिल रहे हैं? मैं तो आज सुबह रिटायर हुआ हूँ और बांग्लादेश की लड़ाई लड़ा हूँ और लाहौर में लड़ा हूँ और बाकी और जगह भी रह चुका हूँ, 3-4 जगह जो सीमा छुमे रहा। खड़े हो जाइए आप 1 मिनट के लिए। महेंद्र राणा जी, पैर में दर्द है। आप ये बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि सैनिकों के लिए भारत सरकार ने, उनकी सरकार ने बहुत कुछ किया है, वन रैंक वन पेंशन हो, चाहे तमाम वो चीजें हो जो सैनिकों के लिए की हैं। कांग्रेस के लिए वो कहते हैं कि कुछ नहीं किया है सेना के लिए, और जो भी किया है वो प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में हुआ है। वो तो अपने अपने कार्यकाल में सभी कहते हैं, सभी कहेंगे, मोदी जी भी कहेंगे, राहुल जी भी कहेंगे, अपने अपने उसके देश सभी वो कहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणबीर औदा रणबीर लाल है, मैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट कृषि ब्लॉक से हूँ। अच्छा, इस रैली को, इस सम्मान समारोह को किस तरह से देखते हैं आप? आज हमारे देश के सभी सैनिकों को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं राहुल गांधी जी का, कि जिन्होंने हमारे पूर्व सैनिकों को इतने सम्मान के साथ में यहाँ पे बुलाया है और उनका सम्मान किया है, बहुत बड़ी गौरव की बात है। आप यहाँ पर आए हैं राहुल जी की रैली में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के बड़े नेता ये कहते हैं कि सैनिकों के लिए, चाहे वो पूर्व हो या मौजूदा जो काम कर रहे हैं सैनिक, उनके लिए जितना मोदी सरकार ने किया है शायद ही किन्हीं सरकारों ने किया होगा, इस विचार को किस तरह से देखते हैं? मोदी जी ने जो भी किया है वो सारी जनता देख रही है और मोदी जी को इसका परिणाम जो है 2022 में मिलने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने सारे लोगों को बेवकूफ बनाया है, सारे देश को लुटवा दिया है, जो कि आज मोदी जी जो है अपने आप अपने वापस अपने जाने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी ने एक राशन से लेकर, प्याज से लेकर और पूरी पेट्रोल से लेकर सारे महंगाई का लगा दिया, मोदी जी ने जनता को ठगा दिया कि हमने सिलेंडर दिया और सिलेंडर जो है 1,000 रुपये का कर दिया, मोदी जी ने क्या दिया? ये बहुत ही दुख की बात है, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने वाली बात है, जनता को हरासमेंट करने वाली। आप कुछ कह रहे थे? जो भाई जी, जो ये सैनिकों के लिए या भूतपूर्व सैनिकों के लिए या वर्तमान में जो सेवारत है उनके लिए जो भी कार्य किया है वो बीजेपी सरकार ने नहीं किया है।